अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आफ्टर टेंथ यानी कि टेंथ के बाद हमें क्या करना चाहिए तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आप सभी तक शेयर करने वाला हूँ कि आफ्टर टेंथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए या फिर आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या क्या कार्य करने होते हैं यानी कि क्या क्या वर्क करना होता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स एंड राइट इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कार्य क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना, डिज़ाइन करना, टेस्टिंग करना, रिपेयरिंग करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो या फिर उसकी डिज़ाइनिंग करनी हो, यानी कि उसको डिज़ाइन करना हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर करना हो, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, C++ या फिर अदर लैंग्वेजेस, जो कोडिंग होती हैं, इन सभी से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आफ्टर टेंथ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो डिप्लोमा कोर्स, दूसरा डिग्री कोर्स, ठीक है। तो अगर आप कम पैसों में और कम समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स जो है जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। या फिर आप IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कम समय में और कम रुपयों में आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीट हो जाएगा कंपेयर टू प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप कम समय में और कम रुपयों में करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए और पॉलिटेक्निक कोर्स कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से, जिससे आप कम समय में और कम रुपयों में इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि बैचलर डिग्री। देखिए अगर आप बैचलर डिग्री जैसे बीटेक या फिर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी, ठीक है, तो अगर आप बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th कंप्लीट करना होगा, आफ्टर टेंथ आपको 12th करना होगा, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कम पैसों में और कम समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं यानी कि डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस या फिर IT से। अगर आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो आप बीटेक कीजिए या फिर बी कीजिए, ठीक है। उसके लिए 10th के बाद आपको 12th कंप्लीट करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप कम समय में और कम रुपयों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा कीजिए, अदरवाइज़ आप बीटेक कोर्स कीजिए। उसके लिए आप 12th अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, जिससे आपको बीटेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। बीटेक आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों में से किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए 10th के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।